ऐसा नहीं रहल है, लेकिन अनायास में धूल उड़े गर्दा उड़े के वजह से एक भाई झगड़ा कैले है और उसमें यह फायर किए है। फायर कैसे कर देते हैं, कहाँ फायर वाली किसी बात आ, जब झगड़ा टंटा भाई तू तकरार भाई हटावल जाता है, नहीं मानत रहना है, ओकरे बाद कैले है। कितने लोग घायल हैं? दो लोग। दो लोग में होते होते बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते में कहा उसको उनके लड़के ने बंदूक निकाल दिया और छह फायरिंग कर दी। कौन कौन घायल है? घायल छोटे लाल अग्रहरी और धीरज अग्रहरी। मारने वाले कौन है? मारने वाले क्रिश्चियन क्रिश्चियन है और कौशल है और क्या नाम है, कौशल अग्रहरी कैलाश। क्या पूरा मामला रहा है यहाँ पे उस समय, माहौल का रहा है जब गोली चला ले? अरे माहौल तो बहुत गर्मी का हो गया था, सभी लोग भाग गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, शटरें सब गिर गए थे और यहाँ पर दुकान आसपास के गांव के लोग बहुत सारे बाजार करने आते हैं, सभी लोग पगदड़ मच गया थे। और उसके बाद हम फोन गया था, हम लोग सुने कि दो बार यहाँ पर दो लोग बंदूक लेके लहरा रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, मामला ही समझ में आया है। कितने लोग को पुलिस अभी तक गिरफ्तार की है? मौके वारदात पे दो लोगों को गिरफ्तार किया, दो लोग पर फरार हैं। नमस्कार, प्रणाम सस्त्रिया काल आदाब, गौ लागत नहीं, हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश और हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के महुली थाना क्षेत्र के मुखलिसपुर कस्बा में। और मुखलिसपुर कस्बा में लोग बतावत आ कि मामूली से बात विवाद को लेकर के यहाँ पे गोली चल जाती है और दो लोग घायल हो जाते हैं। और अभी अभी इंस्पेक्टर साहब जांच पड़ताल भी किए हैं और घायलों से मुलाकात भी किए हैं और हम घटनास्थल पर पहुँचे हैं। घटनास्थल पर पहुँच कर जो यहाँ के चश्मदीन थे, जो यहाँ पे लोग थे, इन लोगों से जानकारी लेते हैं पूरा मामला का था, किस मामले को लेकर के गोलियाँ चली जाती है और दो लोग घायल हो जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, पूरा काम मामला था, किस मामले को लेकर के यहाँ गोली चली? मामला कौनो ऐसा नहीं रहल है, लेकिन अनायास में धूल उड़े गर्दा उड़े के वजह से एक भाई झगड़ा कैले है और उसमें यह फायर किए है। फायर कैसे कर देते हैं, कहाँ फायर वाली किसी बात आ, जब झगड़ा टंटा भाई तू तकरार भाई हटावल जाता है, नहीं मानत रहना है, ओकरे बाद कैले। कितने लोग घायल हैं? दो लोग। दो लोग हाँ। उनकी स्थिति कैसी है, कहाँ पे हैं वो लोग? वो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज हाँ। स्थिति इस समय कैसी? इस समय अभी तो गोली निकला नहीं है। क्या नाम भाई साहब आपका? मनीष। मनीष, क्या पूरा मामला था, किस मामले को लेकर के यहाँ गोली चली जाती है? वो एक धूल कतवार के लेकर के उस झगड़ा हुआ है, तो झगड़ा हुआ उसको निपटाया भी गया था, निपट गया, फिर भी बात खत्म हो गया, फिर सुबह एक बार पता नहीं क्या हुआ, फिर झगड़ा हो गया, फिर उसको बैठ के मामला कैसे दो चार विवाद उत्पन्न कब होता है, किस दिन होता है? आज हुआ था? आज ही हुआ, पहले कल हुआ था, एक दिन पहले। और तो उसके बाद जैसे मतलब कैसे मामला सब बातचीत करके रफा दफा हो गया था, फिर एकाएक पता नहीं क्या किए उस सबकी, फिर झगड़ा हो गया, फिर झगड़ा जब हुआ फिर उनके पिताजी को बुला के बैठा के समझौता हो गया, फिर समझौता जब फिर खत्म हुआ फिर आधे घंटे बाद फिर मामला जग गया, फिर मामला उसी में होते होते बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते में एकाएक उसको उनके लड़के ने बंदूक निकाल दिया और छह फायरिंग कर दी। कौन कौन घायल है? घायल छोटे लाल अग्रहरी और धीरज अग्रहरी। मारने वाले कौन है? मारने वाले क्रिश्चियन क्रिश्चियन है और कौशल है और क्या नाम है, कौशल अग्रहरी कैलाश। क्या पूरा मामला रहा है यहाँ पे उस समय, माहौल का रहा है जब गोली चला ले? अरे माहौल तो बहुत गर्मी का हो गया था, सभी लोग भाग गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, शटरें सब गिर गए थे और यहाँ पर दुकान आसपास के गांव के लोग बहुत सारे बाजार करने आते हैं, सभी लोग पगदड़ मच गया थे। और उसके बाद हम फोन गया था, हम लोग सुने कि दो बार यहाँ पर दो लोग बंदूक लेके लहरा रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, मामला ही समझ में आया है। कितने लोग को पुलिस अभी तक गिरफ्तार की है? मौके वारदात पे दो लोगों को गिरफ्तार किया, दो लोग पर फरार हैं, उसमें से एक कौशल अग्रहरी हैं, कैलाश अग्रहरी और उनके पिताजी हैं शिव प्रसाद अग्रहरी। यहाँ पे और भी नौजवान है, कहाँ मामला रहा है उस समय जब गोली है चलल, तो कहाँ माहौल है? हम मौके पे थे, मौके पे थे। आप आए तो क्या सुने यहाँ पे? थे नहीं, अभी को जस्ट। अच्छा, अभी आ रहे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम दुर्गेश है। दुर्गेश जी, यहाँ पे क्या पूरा मामला था, अभी भी पुलिस आई थी पूरा? जैसे यहाँ वो जो शिव अग्रहरी का परिवार है, वो अब दबदबा बनाना चाहता है कि हमसे लोग डर के रहे, भय से रहे, और हम आए हैं सुने हैं कि क्रिश्चियन अग्रहरी दोनों हाथ में पिस्टल लेके ताबड़तोड़ फायर किया है, उसका बड़ा भाई कौशल अग्रहरी है,
वो भी पिस्टल लेके फायर किया है। इसके बाद कहा कि ज्यादा बोलेंगे साले तो बम से घर उड़ा देंगे, यही लहराते हुए गया है। बल्कि छोटी छोटी चाय की दुकान है उस पर अगर कोई पैसा मांग लेता अपना तो कहता साले तुम्हारे पूरे खानदान को हम मार देंगे और कोई दिया बांधने वाला नहीं रहेगा। वह संजय मदनवाल है, उनसे कहा है, वो उन्हीं उन्हीं को कहा। क्या क्या नाम है क्या मया माहौल क्या बन गई थी सुबह? सुबह वहाँ पर सब सुलह सपाटा हो गया था, जो मैटर पहले के थे सब अपना विवाद किससे था? इस विवाद इन्हीं लोग से था, छोटेलाल से, वहाँ पर जो झाड़ू बहाड़ू करते थे गर्दे के लेकर हुआ था। उसके बाद मामला एकदम रफा दफा हो गया है, कोई कुछ नहीं कहा है। उसके बाद थोड़े देर के बाद वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, सब जुट गए। उसके बाद वहाँ बाताखानी में झगड़ा होने लगा, झगड़ा होते होते हुए वहाँ से उधर से तनी तना हुआ, इधर से तनी तना हुआ। उसके बाद वो आया पिस्टल लेकर के गोली चलाने लगा। तो कितने लोग घायल हैं? दो लोग घायल हैं। दो लोग घायल हैं। मारने वाले क्या पुलिस है, क्या की इस मामले को लेकर के? अब पुलिस तो मौके जब हो गया है तब तो पुलिस तो यहाँ आई है, तो सब लोग दो लोग आप देखे ही हैं, दो लोग गिरफ्तार हुए, दो लोग तो गए लेकिन दो लोग तो नहीं है। अभी भी यहाँ की स्थिति क्या है? अब स्थिति तो अब सामान्य है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अभी धमकी दे के गया है, धमकी दे है वही की बम से घर उड़ा देंगे। हाँ, अरे कल चाय का पैसा मांग लिया, इससे इनसे कहा कि पैसा मांगोगे तो तुम्हारे घर कोई दिया बाती बांधने वाला नहीं रहेगा। ये साक्षा कहो, मैं कहीं किसी से कहा है कि उसके घर पर दिया बांधने वाला नहीं रहेगा कोई? अभी अभी इस समय इनको कोई दिक्कत होगी तो जान लीजिए उसी से होगी। भैया हो, इस समय हम मुखलिसपुर कस्बा में बाटी, मुखलिसपुर कस्बा में अभी अभी मोहली के इंस्पेक्टर साहब अपने हमराहियों के साथ यहाँ पे आए थे और दुकानदार यहाँ पे जो मुखलिसपुर कस्बा के थे उन्हें आश्वस्त कर रहे थे कि चिंता मत करो, दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दो लोग अभी फरार चल रहे हैं, उनको जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। मामला विस्तार से बताओ ताती, मामला कल स्टार्ट होले झाड़ू बहाड़ू को लेकर के जब गर्दा दुकान के सामने आ जाता है वहीं से तनाव हो जाती है, दो पक्ष आमने सामने हो जाते हैं एक, और उसके बाद यहाँ के जो प्रधान मनोज अग्रहरी के नेतृत्व में मामले को शांत करवा दिया जाता है, सुलह करवा दिया जाता है। उसके बाद मामला आज फिर बढ़ जाता है, गाली गुप्ता दोनों पक्ष से शुरू हो जाती है, मामला इतना बढ़ जाता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर लगातार दो फायरिंग किया और जिसमें दो लोग घायल हो गए हैं और घायलों को आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौल नाथनगर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर देखते हुए उन्हें जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिए। वहां से जिला हॉस्पिटल पे उनका प्रारंभिक इलाज होने के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिए हैं। दोनों का इलाज मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में अभी चल रहा है और वहीं पर जब थाना प्रभारी से हमारी बात होती है तो उन्होंने बताते हैं कि दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दो लोग फरार हैं, उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस समय जहाँ पे हम हैं और यहाँ का यही घटनास्थल है, घटनास्थल पे हम आए हैं और यहाँ के लोग थे, लोग के सामने क्या हुआ था लोगों ने बेबाकी से अपना प्रश्न और जवाब लोगों से किया गया उन्होंने रखा। बना रहा चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।